भारत को मिला नया युवराज, अपने तूफानी पारी के बदौलत दूसरे ही इंटरनेशनल मैच में जड़ा अर्धशतक। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लगाए चौके और छक्कों की झड़ी, मात्र 39 गेंदों में ही अर्धशतक जड़कर तोड़ डाले कई रिकॉर्ड। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए खेले कई ऐसे शॉट्स कि आई युवराज सिंह की याद। ऐसे में कैसे अपने दूसरे ही पारी में तिलक वर्मा ने छुआ अर्धशतक का आंकड़ा, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो जानने के लिए अंत तक बने रहे हमारे साथ। आईपीएल के सितारों की वो लिस्ट जिन्होंने इंटरनेशनल में आते ही अपना जलवा बिखेरा, उस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और वो कोई और नहीं बल्कि तिलक वर्मा है। ऐसे में उनको इस तरह से बल्लेबाजी करते देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई, क्योंकि इनको बल्लेबाजी करते हुए देखकर युवराज सिंह याद आ गए। वो भी तो इस तरह किसी भी परिस्थिति में आकर बल्लेबाजी कर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचा दिया करते थे, और ऐसा ही कुछ तो तिलक ने भी आज किया है। वैसे मैं आपको बता दे, तिलक वर्मा जब बल्लेबाजी करने आए तो कई सूरमा अपना विकेट गंवाकर वापस पवेलियन लौट चुके थे, और भारतीय टीम को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस मैच में ये टीम मात्र 100 रन तक पहुंच पाएगी। तभी तिलक वर्मा बल्लेबाजी करते हुए आए और इस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। भारत बड़े आराम से न सिर्फ 100 रन के आंकड़े छुए बल्कि 150 तक भी पहुंचते नजर आने लगे। आपको बता दें, तिलक वर्मा ने आते ही कई गेंदों में बेहतरीन शॉट खेले और मात्र 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस दौरान उनके बेहतरीन बल्लेबाजी का कहर सभी गेंदबाजों को बराबर बरपा, और यही कारण रहा कि इस बल्लेबाज ने अपने अर्धशतक के दौरान न सिर्फ लाजवाब 5 चौके की प्रदर्शनी लगाई बल्कि एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ा। ऐसे में आपको बता दें, जिस समय तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने आए उस समय भारतीय टीम मात्र 18 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी, और इनके आते ही ईशान किशन ने भी पवेलियन लौटने का मन बना लिया और 60 रन तक पहुंचते पहुंचते भारतीय टीम में 3 विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में जिस तरह से तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी की उसे देखकर तो लग नहीं रहा था कि बाकी साथी बल्लेबाज किसी और पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और तिलक वर्मा को कोई पिच खेलने के लिए दी गई है। यही कारण रहा कि तिलक वर्मा रोहित शर्मा के साथ इस रिकॉर्ड को शेयर करते नजर आए, जो सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड था। ऐसे में रोहित शर्मा ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जब इस बल्लेबाजी को भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिलेगा तब यह बल्लेबाज काफी काम करता नजर आएगा, और अब तिलक वर्मा अपने बल्लेबाजी से रोहित शर्मा के उस भविष्यवाणी को पूरा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि तिलक वर्मा आने वाले समय में किस तरह से भारतीय टीम की तरफ एक तरफ बल्लेबाजी करते नजर आते हैं और किस तरह से भारतीय टीम को आने वाले दिनों में मुश्किल भरी परिस्थिति से निकाल कर जीत दिलवाने में कामयाब हो पाते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम का यह नया बल्लेबाज युवराज की तरह भारतीय टीम के लिए मैच जिताऊ पारी खेलने में कामयाब हो पाएगा? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।